तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो हमारा प्लान है वो हम जा रहे हैं तारा देवी। आज हम तारा देवी मंदिर घूमने जा रहे थे, दोस्तों के साथ ही जा रहे हैं। अभी कॉलेज से हमारी छुट्टी हुई है, उसके बाद हम निकले तारा देवी के लिए। वो सामने ऊपर है मंदिर, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो पीछे, ये ऊपर तारा देवी है, ये देख रहे हैं ये लोग। अभी हम पहली बार जा रहे हैं, दो लोग तो यहाँ गए हुए पहले से, बीने हैं ये और ये हिमांशु और ये अंकित पांडे। ये चंडीगढ़ से आया हुआ है वहाँ जाने के लिए, और ये भी है अंकित और ये विनय। ये यहाँ पहले आ चुका है, मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे विजिट करने। तो चलो अभी चलते हैं आगे। और तारा देवी जो है ये नालागढ़ में है, और नालागढ़ से बस स्टैंड से सामने पहाड़ी पर दिखता है इनका मंदिर है। तो काफ़ी फेमस है और मान्यता भी है बहुत, यहाँ बहुत लोग आते भी हैं यहाँ पे। चलो फिर चलते हैं आगे, रास्ते की जर्नी दिखाते हैं आपको। वो जाएंगे अभी हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर अराउंड है यहाँ से, विद एक्सट्रीम जर्नी विद माय लवली फ्रेंड्स। वो हम ट्रैवल करने वाले हैं विद जंगल के रास्ते से, जाना है हमें वहाँ तक। वो वहाँ पे पहले एक कोई क्या चल रहा है, पूजा चल रहा है ना, आई थिंक सो। हाँ, पूजा चल रहा है। और यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है नालागढ़ का। ये बैक साइड से है, वो ये नीचे वाला यहाँ पे कृष्ण मंदिर है, ऊपर तारा देवी मंदिर है। सो गाइस, ये लोग रुक गए हैं, शायद इन्हें कुछ दिख गया है। ये देखो गाइस व्यू, कितना खतरनाक व्यू है। अभी तो हमें और ऊपर जाना है, इससे ऊपर चढ़ के हम दिखाते हैं व्यू। ये नीचे हमारा नालागढ़, चलो आगे चलते हैं ऊपर, अभी बहुत ऊपर जाना है अभी यहाँ। सो ये व्यू चेक करो फिर से, ये देखो भाई, नीचे नालागढ़ और जंगल के रास्ते जाना है। सो भाई ये अभी तो काफ़ी चढ़ाई है, अभी शुरू हुई है। अभी मैंने पहले भी कह चुका हूँ 200 सीढ़ियों से वो ज़्यादा है, अभी हम 100 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। यहाँ से प्लेन रास्ता है, और ये व्यू चेक करो फिर से, नीचे नालागढ़ और ये इधर से रोड नैना देवी को चला जाता है, और ये इधर हमारा बद्दी को चला जाता है। चलो ऊपर चलते हैं। सो ये हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं, आधा और है बस। वो सामने दिख रही है मंदिर ऊपर थोड़ा सा, चलो अभी चलते हैं यार, थक बहुत गए, धूप भी है और चढ़ाई भी है काफी। सो ये हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं, आधा और है बस। वो सामने दिख रही है मंदिर ऊपर थोड़ा सा, चलो अभी चलते हैं यार, थक बहुत गए, धूप भी है और चढ़ाई भी है काफी। सो गाइस, जंगल का रास्ता है ये, यहाँ बहुत ही खतरा है, लेकिन कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारे साथ विनय है। वो यहाँ पे मतलब काफी बार आ जा चुका है, तो उसे यहाँ का सब कुछ पता है, रास्ता वगैरह। वो आगे चल रहा है अभी ने ऊपर, हम पहली बार आ रहे हैं दोनों लोग, वो आगे दोनों हैं जो वो जा चुके हैं यहाँ पे पहले भी। सो चलो गाइस, ऊपर मिलते हैं, थोड़ा थक गए हैं, रेस्ट करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर ये कुछ व्यू चेक कर लो, ये रानी जी, थोड़े महीनों बाद आया ना, थक गया मैं। इधर आईटीआई कॉलेज जो है गवर्नमेंट वाला, ब्रो राजा का महल दिखा दे। और ये सामने राजा का महल भी देख लो, ये देखो 100x जूम करके दिखा रहा हूँ मैं गाइस। ये नालागढ़ का व्यू चेक करो गाइस, यहाँ से ये पूरा नालागढ़ नीचे दिख रहा है। अभी हमें काफी ऊपर जाना है यहाँ से, तो ये लोग कुछ देख रहे हैं व्यू इधर, शायद इधर हनुमान जी उतरे थे जब वो हिमालय पर्वत लेने आए थे इधर पे,
तो यहाँ पे उनके फुटप्रिंट भी हैं, माना जाता है कि इस पहाड़ के पीछे उनका मंदिर भी है बड़ा सा। और ये नीचे है जो आप देख रहे हो, ये अक्षय कुमार का गेस्ट हाउस है, ये अक्षय कुमार का गेस्ट हाउस है। यहाँ अमिताभ बच्चन जी भी आ चुके हैं। और ये नीचे अवस्थी ग्रुप का है, ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये नालागढ़ में ये अक्षय कुमार का गेस्ट हाउस, ये वाइट वाला। चलो गाइस ऊपर चलते हैं अभी, शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है पैदल का। और ये यहाँ से तो ये फोर व्हीलर बाइक चल जाएगी, लेकिन यहाँ से पैदल जाने का रास्ता ये खतरनाक सा। और ये व्यू चेक करो गाइस, ये देखो खतरनाक, ये व्यू चेक करो गाइस। ये नीचे नालागढ़ शहर है, वो पहाड़ के पीछे बद्दी इस पहाड़ के पीछे है, यहाँ से दिख नहीं रहा। चंडीगढ़ का नामो निशान नहीं है गाइस। और ये इधर हाँ, ये देखो ये व्यू चेक करो, कोने कोने के पहाड़ देख लो गाइस, ऐसा लग रहा है धरती चमकी है। और इधर इस साइड नैना देवी है आगे, तो चलो वो ऊपर चला गया, हम भी चलते हैं। चलो अभी चलते हैं ऊपर, बस आ गए हैं, थोड़ी दूर और है। ये रहा ऊपर टावर, दो मिनट का और रास्ता, बस 2 मिनट का और रास्ता है भाई। मैं गया नहीं हूँ, इनको पता है, ये लोग गए हुए हैं यहाँ पे, तो ये लोग मेरे साथ आ रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए, तो इन लोग का बहुत बहुत थैंक यू। तुमको भी दिखाते हैं तारा देवी, चलो। सो गाइस ये खड़ी चढ़ाई यहाँ से, थोड़ा यहाँ रास्ता वास्ता नहीं है, सीढ़ी वीढ़ी खत्म हो गई है गाइस। पत्थर को काट के बनाया हुआ रास्ता, अब ये पत्थरों को देखो काट काट के बनाया गया रास्ता, सीढ़ियाँ भी पत्थर से। ये देखो गाइस, ये चेक करो ये देखो कितना खतरनाक है रास्ता। लेकिन यार मजा आता है ऐसे पहाड़ों पे घूमना ना, ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ये देख सकते हो व्यू, घर बैठे व्यू ऐसा मिलेगा नहीं। आ गए हैं बस, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। आ गए बस सामने ये मंदिर माता रानी का। तो गाइस ये सामने माता रानी तारा देवी, बहुत दिनों से देख रहा था, आज विजिट कर दिया। 2 मिनट का रेस्ट फिर से, अबे पहुंच गए हैं, यही तो है सामने, रुक जाओ 2 मिनट का। सो गाइस रेस्ट करने के बाद यहाँ से लेंगे ये लोग। ये सामने देखो माता रानी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, ये देखो झील है छोटी सी, और ये सामने मंदिर, और ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, थक तो बहुत ज़्यादा गए हम, लेकिन मज़ा जरूर आया। हाँ लेकिन मज़ा तो जरूर आया है। ये छोटी सी लेक, चलो दिखाता हूँ मैं, मंदिर आ गए। तो ये टॉप पे है तारा देवी, ये व्यू चेक करो गाइस। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे माता रानी के दरबार में। ये देखो जय माता तारा देवी। ये पहरेदार माता रानी के, गणेश भगवान, सो फाइनली गाइस अब एंटर करेंगे यहाँ से, जय माता दी।
श्री तारा देवी माता जी। ये व्यू चेक करो गाइस, जय माता तारा देवी। वैसे ये रही माता तारा देवी अंदर में। यहाँ मना है फोटोग्राफी, शायद अंदर नहीं, अंदर मना है, बाहर से हम ले सकते हैं। ये अंदर माता रानी है, ये आप चेक कर सकते हो। सो गाइस ये लोग व्यू चेक कर रहे हैं यहाँ से नीचे का। ये चेक करो गाइस, ये नीचे नालागढ़ शहर, ये राजा किला। एक बार मैं और दिखा चुका था, फिर से देखो, ये पूरा नालागढ़। कितना सुंदर हवा चल रहा है गाइस। ये यहाँ से व्यू चेक करो, ये चेक करो गाइस, कितना खतरनाक दिख रहा है। सो गाइस ये सामने राम शहर है। सो फाइनली गाइस ब्लॉग अभी बन गया हमारा तारा देवी का। अब हम यहाँ से निकलेंगे और अभी यहाँ का ब्लॉग बन गया है मेरा पूरा। अब देख सकते हो ये है तारा देवी, और अभी वो लोग नीचे पानी भरने गए हैं, फिर हम यहाँ से अब निकलेंगे। यहाँ से अभी हमें काफ़ी नीचे जाना है, ये देख सकते हो आप, नीचे नालागढ़ है। फिर हम यहाँ तारा देवी आए थे दर्शन के लिए, अब यहाँ से हमने दर्शन कर लिया। मैं बहुत दिनों सोच रहा था यहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए, फाइनली यहाँ का ब्लॉग बन चुका है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और अभी हमें यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना है, अभी जंगल के रास्ते जाना है। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस ये देखो, ये लोग तरबूज काट रहे हैं। ये चेक करो, ये देखो गाइस, इसको हम नीचे से लाए थे, अब इसको हम लोग लेके जंगल में जाएंगे, जंगल में खाएंगे। यहाँ से अभी हमें नीचे जाना है, आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हो काफ़ी। ये यहाँ मंदिर का कुछ एरिया है यहाँ, और ये सामने मंदिर है, और इधर ये हमारा फाइनली तरबूज कट गया गाइस, ये देख सकते हो। और हमने यहाँ से चाकू लिया था काटने के लिए, ये लो पैक कर लो इसको, चलेंगे जंगल में अब खाएंगे। चलो मिलते हैं जंगल। और ये हमारा तरबूज, अबे बड़ा वाला उसको दे दिया, कम बीज वाला, सब में बीज ज्यादा। ये देखो गाइस, अंकित को सबसे बड़ा वाला दे दिया। और दूसरे नंबर पे बड़ा मेरा, मेरे लिए निकालना, देखूं मेरा कितना बड़ा है। अभी यहाँ तुम्हें पब्लिक देखेगी वाला। तो ये देखो गाइस हो गया, थोड़ा और ठंडा हो गया, इधर ही खा लो, फिर हाथ मुंह धो। ये चेक करो गाइस, अब यहाँ से हम खा के फिर यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। मिठा है ना, चलो मिलते हैं फिर आगे। ये झील है कुछ ऐसा, अभी यहाँ काम चल रहा है, अभी यहाँ नीचे का भी अभी बना नहीं है, ये सिर्फ साइड साइड में ये पत्थर, अभी ये पत्थर भी नए लगाए गए हैं, ये चेक करो। चलो अब खाने के बाद ही निकल, ये देखो अंकित खाए जा रहा है। वो बीज भी नहीं निकाल रहा, देखो खाए जा रहा है, बीज खा गया सारा, निकाल दिया। ये चेक करो, ये देखो इसके में तो बीज ही नहीं है, नहीं अंदर में है बस, निकाल दिया इसने इसका, देखो। मेरा चेक करो, ये देखो। सो इसको देखो वहाँ पे लग भी गया है कलर हाथ पे। इतना डार्क है इसका कलर। सो अब हम यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, तो तारा देवी विजिट कर लिया। तो इस तारा देवी के दर्शन करने के बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे कृष्णा मंदिर है, कृष्णा मंदिर को विजिट करेंगे, फिर वहाँ से हम नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद ये ब्लॉग होगा एंड। तो चलो आगे मिलते हैं रास्ते में। सो गाइस ये पैदल का रास्ता, और हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा रुक के ऊपर से आ रहे थे, अभी थक गए थे, यहाँ ऊपर से अभी आए हम। ये रास्ते से देख सकते हो आप, खतरनाक रास्ता है। और यहाँ पे ये संतरे का पेड़ है, ये पहाड़ी संतरा है, ये देख सकते हो आप कितना,
ये देखो पक गया गाइस, ये चेक करो, ये अभी हिमांशु ने खाया, मीठा है। So guys, हम यहां से अब घर जा रहे हैं अपने, वो मेरा घर, अब मैं अपने घर से, ये मेरे सारे दोस्त, ये बद्दी जाएंगे दो और एक चंडीगढ़ जाएगा, इनको आज मैं घुमाने के लिए लेके आया था अपने तारा देवी मंदिर पे। सो अब गाइस हम जा रहे हैं कृष्णा मंदिर पे। सो गाइस हम आ गए ये कृष्णा मंदिर ऊपर, मैंने ऊपर बताया था कि कृष्णा मंदिर जब तक विजिट नहीं करेंगे तब तक हमारा सफर कंप्लीट नहीं होगा माता रानी का। तो ऊपर तारा देवी हमने विजिट कर लिया है और अभी हम चलेंगे कृष्णा मंदिर में। चलो ये ऊपर है, बंद है, कोई ना ब्रो, खुला होता है, खुला है भाई, गेट खोल सकते हो। तो ये रहा हमारा कृष्णा मंदिर, आगे आगे दिखाओ, ये आ गया कृष्ण मंदिर। तो ये लोग यहाँ पे खोलना पड़ता है, यहाँ पे जूता चप्पल मंदिर में जाकर खोलेगा। ये है कृष्ण मंदिर। जय श्री राधे राधे राधे। ये हमारे कृष्ण मंदिर में राधे राधे। सो ये चेक करो गाइस, राधे राधे। सो इधर हनुमान जी का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा प्यारा बनाया गया। और इधर आराम करने के लिए भी है, और यहाँ पे यहाँ भी स्थान है कृष्ण भगवान का। ये राधा रानी और कृष्ण भगवान हमारे देख सकते हो, काफी प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो ये चेक करो गाइस, कितना अच्छा मंदिर है। ये कृष्णा भगवान हमारे, ये व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है ना चारों तरफ से, कितना अच्छा। ये राधा रानी, ये देखो कितना ब्यूटीफुल। ये राधा रानी का मंदिर हो गया है, और इधर आ जाओ, ये भोलेनाथ सामने, बोले ना फिर ऊपर माता रानी भी है। अंदर जाके दिखाओ, ये माता रानी और ये बोले ना। ये चेक करो, सो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ब्लॉग। ये देखो रंग महल, यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी, फिर इधर आप चेक करो, ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है हनुमान जी के लिए। ये चेक करो, इधर साइड में हनुमान चालीसा है, और ये हनुमान जी। जय श्री राम। सो ये मंदिर है, तो जो कुछ बता देते थे यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे भाई कुछ बता रहा है, तो इनकी जगह कौन बता, तो शायद ये जो पंडित जी है यहाँ पे, सबसे प्रसिद्ध पंडित जी थे, ये प्रसिद्ध पंडित जी है यहाँ के, तो इनकी भी लोग पूजा करते हैं, काफी जाने माने पंडित जी थे, उनको सारा कुछ पता था यहाँ के बारे में, और वो सबसे बड़े भक्त भी थे। और यहाँ से हम अब चलेंगे, ये चेक करो गाइस, तुलसी मैया। सो ब्लॉग अब यहाँ तक बन गया, अब ख़त्म करेंगे ब्लॉग को यहाँ से।
ये व्यू चेक करो कुछ इधर का, इधर देख सकते हो So guys, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली मेंबरों के साथ। सो गाइस शेयर कर दो अपने फ्रेंडों के साथ, फैमिली मेंबरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।